जस्ट डू इट के ऊपर भी नजरें थोड़ी सी जाने वाली है मेरी, एंड सो एक फिनिश ऑलरेडी आ चुका है इस टीम के पास, तो शुरुआत तो काफी बढ़िया कर चुकी है ये टीम। जी बिल्कुल टीम सोल बिंग इन द वेरी सेंटर देखने को मिल जाएंगे, एंड अब एंगेजमेंट जो है टीम सेवन सीज और सात समुंदर के साथ जरूर यहाँ पे होने वाला है। लेट्स सी अब जो फाइट है वो किस हिसाब से होने वाला है। मुझे अभी भी वो दिन याद है, पहला वाला दिन था जहाँ पे टीम सोल पहली मैच में यहाँ पे काफी बढ़िया करते हुए नजर आए थे, बट यहाँ पे डेथ नोट के लिए थोड़ा सा परेशानी रहेगा, डाउन कर दिया जा चुका है। फिनिश ऑफ भी होते हुए नजर आएंगे एनिम्बा के रिक्स के द्वारा, बट यहाँ पे का डायरेक्ट लाइन देखने को मिलेंगे दो अलग अलग एंगल से ऑलरेडी सराउंड हो चुके हैं। ये लीजिए यहाँ पे खिलाड़ी की एंट्री होती दिखेगी काफी आराम से यहाँ पे, लेकिन वेट करें जब तो कटिंग रिवाइवल पे फोकस कर रहे थे, गलती गलती छोड़ के रिवाइवल यहाँ पे अगर स्प्रे कनेक्ट करते तो एटलीस्ट एक पे को यहाँ पे डाउन कर सकते थे, एंड देन उसका एक ओपनिंग क्रिएट कर सकते थे। अंडा अब यहाँ पे आपको नजर आएगा फिर से एक और बार टीम सोल का एंगेजमेंट, जहाँ पे सोल के खिलाड़ी काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। अंडा यहाँ पे मैक्सिमस के खिलाड़ी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे वो सवाल रहेगा, बट युवा भी का नेट जाएगा, मैडमैन आपको डाउन होता हुआ नजर आएगा, वीरू के ऊपर भी नेट गया था बट वीरू आपको वहां पे बचते हुए नजर आएंगे। टीम सोल यहाँ पे एलिमिनेट करके जाएंगे एक और टीम का, इसी के साथ टीम सोल के खाते में आपको छह फिनिशेस आता हुआ नजर आएगा। वेलोसिटी गेमिंग की बात करें वो अभी भी गेमिंग को दिक्कतें देकर जाएंगे, टीम फॉरएवर यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत जो है थर्ड पार्टी के चलते देते हुए नजर आ रहे हैं, बट टीम वेलोसिटी गेमिंग जिस हिसाब से आप प्रदर्शन दिखा रहे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं सवितार का वो नॉक फिनिश काफी ज्यादा टीम वेलोसिटी गेमिंग को आपको बैकफुट पे डालते हुए नजर आएंगे। देखते ही देखते देखिए क्रेटोस डाउन हुए, उसके बाद दलजीत भी हमें डाउन होता हुआ नजर आया, एंड पूरा टीम यहाँ पे हमें बिखरते हुए नजर आए, एलिमिनेट भी हो चुका है टीम वेलोसिटी गेमिंग अब गेम के बाहर, बट टीम सोल इसका जरूर ये फायदा उठाना चाहेंगे बिकॉज मौका अब इनके पास है इस गेम को चिकन डिनर के अंदर तब्दील करने का। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये चीज बोलूंगा अभी भी मौका है, एंड सवितार मैं हमेशा बोलता ना काफी बढ़िया प्लेयर है, कई बार इन्हें क्लचेस करता देखा है, अभी भी वही सेम चीज हम देख पा रहे हैं, बट बात क्या यहाँ पे रॉस की तरफ से फाइनली सवितार को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा, इसका मतलब तीन टीमें मात्र बची देखेंगे आपको, एंड लेट्स सी किस तरीके से फाइट आएगी। कमला भाई को स्पॉट किया गया डीबी की, काफी बढ़िया स्पेस करने की कोशिश हुआ, क्लब से डैमेज काफी तरीके से डील किया गया था, लेकिन वही चीज की नॉक नहीं कर पाए, बट बात हुई वीरू शायद कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो लेट्स सी क्या यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नहीं, बिकॉज अभी भी आपका सर्कल का एक अच्छा एरिया है, तो आई थिंक वेट करना चाहिए, लेट द सर्कल डिसाइड, जहां पे सर्कल जाएगा उसके हिसाब से आप फिर मूव कर सकते हैं, बट बात करेंगे यहाँ पे मैक्स कैश क्या होने वाला, क्या सर्कल के अंदर एंट्री निकाल पाएंगे, बिकॉज सवितार को तो ऑलरेडी यहाँ पे नॉक कर दिया गया था, फिनिश भी हो जाएंगे, अब अकेले बचे हैं अपनी टीम से, लेट्स सी कहां तक लेके जा पाएंगे, बिकॉज प्रेज इनके तरफ पड़े एक और सही कनेक्शन, एंड यहाँ पे इनका भी पिकअप आता देख सकते हैं आपको। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ सोल का इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल में दूसरा चिकन डिनर भी मुझे कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहा है। अब चैलेंज के लिए 2v1 का सिनेरियो है, युवा ओपी जरूर थोड़ा सा स्मोक करके मुझे लग रहा है कि अब उनको महसूस हो रहा है कि गलती कर दिया, बिकॉज वो जो प्लेयर थे वो काफी ओपन में थे एंड वो एटलीस्ट शॉट लेने की कोशिश करते चाहे वो डाउन क्यों ना कर पाए, बट ऑन दी रन बात करी जाए तो टीम सोल के वीरू को देखिए काफी ज्यादा एक एग्रेसिव नेचर के साथ आगे जा चुके हैं, ग्रेनेड किया गया था बाल बाल वहां पे बसते हुए नजर आए शैडो ओजी, एंड मेरे हिसाब से अगर वहां पे थोड़ा सा और वो कुक ग्रेनेड रहता तो आई थिंक यहाँ पे खत्म जो है होते हुए नजर आते, बट देखिए एक बार गलती किया बट दूसरे बार उसको दोहराया नहीं गया, एंड देखते ही देखते अब शैडो ओजी को पिक अप किया जा चुका है, कमला बॉय ही विल बी द लास्ट सोलो प्लेयर रिमेनिंग फ्रॉम हिज टीम, बट रॉक्स बिंग द आईजीएल डायरेक्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कमला बॉय को स्पॉट किया जा चुका है, शॉट यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे, टीम सोल यहाँ पे 10 एंड 11 फिनिशर्स के साथ फाइनली इस मैच का विनर।